घर से दूर सड़क को ही घर बना चुके किसान लगातार अपने इरादों को मजबूती देते हुए खुले आसमान के नीचे आंदोलन में डटे हुए हैं। इसी आंदोलन में किसानों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था कई संगठनों और निर्दलीय यानी कि वॉलंटियर्स द्वारा की जा रही है, ताकि किसानों को किसी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन्हीं व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है कपड़े धोने की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन की व्यवस्था युवा किसानों द्वारा की गई है। सुबह से लेकर शाम तक ये मशीन ऐसे ही चलती रहती है और हजारों कपड़े इसमें धोए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। काफिला कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब अलग अलग जिलों से किसान समर्थन देने पहुंच रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो तकरीबन 470 किलोमीटर का सफ़र तय करके ऑल द वे फ्रॉम तरन तारण से साइकिल पर सफ़र तय करके आए हैं। जी हाँ, साइकिल पर। यहाँ पर सिर्फ मशीनें दे रखी हैं या सर्फ वगैरह की व्यवस्था जो होती है वो किस तरीके से? सर, पहले तो हमें खालसा एड वाले हमें सर्फ दे गए थे 20-30 किलो, और बाद में जो हमारे किसान भाई आते हैं, जो कोई पंजाब से हरियाणा से आते हैं, तो वो अपने पास भी कुछ जो सर्फ लेके आते हैं तो हमारे पास छोड़ जाते हैं जी। हमारे पास अभी 50 किलो सर्फ हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, और जो भी किसान भाई है यूपी के, एमपी के, पंजाब के, तो कोई भी हमारे से आके कपड़े फ्री धुलवा सकता, कोई इसका पैसा नहीं ले जाता। आप वो कपड़े दे जाते हैं और आप धो कर उनको सुखा कर भी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, सुखा के देते हैं। 20-25 मिनट मेरे पास वो खड़ जाते हैं, बस जितना उनका कपड़ा हो धो के सुखा के उनको वापस दे देते हैं जी। इस वक्त मशीन खाली है या फिर अभी है? अभी अभी बिजली गई हुई है जी, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम बिजली की आ रही है, कट बहुत लग रहे हैं जी। तो बिजली की किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर आपने कर रखी है, क्योंकि मशीनें हैं, ऑपरेशन बैटरी से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से ही होगा? हाँ जी, हमारे जो हरियाणा के हैं जी भाई साहब, इनका ना क्रेशर का काम है, उन्होंने हमें पानी और बिजली का उन्होंने प्रबंध करके दिया हुआ जी। हाँ जी, फिर वो यही पर ही हैं जो आप हरियाणा के कह रहे हैं? हाँ जी, वो सामने महादेव स्टॉप। हाँ जी, उन्होंने हमें पानी और बिजली का प्रबंध उन्होंने करके दिया हुआ जी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अब कपड़े धोने की व्यवस्था भी जो है शुरू हो चुकी है। लाइव आप तस्वीरों के जरिए देख ही सकते हैं कि किस तरीके से कपड़े धोकर, मतलब गंदे कपड़े यहाँ पर किसान भाई, किसान साथी यहाँ पर दे जाते हैं और साफ कपड़े, सुथरे कपड़े जो है वो यहाँ से लेकर चले जाते हैं।